बेसन, ये सूजी, इसकी जगह आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने सूजी डाली है। कसो इसमें पानी, फिर इस रूप में आ जाएंगे। इधर साइड में अपना सरसों का तेल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आप बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं तो वो सरसों के तेल में ही बनाएं। इधर हमारा सरसों का तेल गर्म हो रहा है, इधर हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे। वो ये बेसिक से मसाले हैं सारे, जीरा, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, हींग, इसमें आप हल्की सी कलौंजी भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। मेरे बच्चे खाना पसंद नहीं करते इसलिए मैं डाल नहीं रही। स्वाद अनुसार नमक, इसको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। कई लोग इसमें मीठा सोडा वोडा डालते हैं पर मैं नहीं डालती, फिर भी ये एकदम सॉफ्ट बनेगी आप देखना। अब इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, बस तेल देख लेते हैं गरम हो गया। अरे पालक के इनको इस तरह से डिप करना आप, इस तरह से बना के देंगे ना तो बच्चे भी खाते हैं। इसकी एक और डिश बनती है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी जब सर्दी कम होंगी तब, दही की। अलटी पलट से सेक लीजिए। हरे कलर की हो गई है, और दूसरा बैच सिक रहा है। ये वाली मैं आपको दिखा देती हूँ फर्स्ट बैच की कैसी बनी है, ये देखिए। अगर आप इनको ना ताजे एकदम पत्ते फ्रेश हों उनकी बनाएं तो और अच्छी बनेंगी। ये मेरे थोड़े पत्ते पुराने हो गए थे, ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। देखिए एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आई आवाज़, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए।